काढ़ लो मैं जलूस लेके आ रहा था, पुरअमन तरीके जलूस लेके आ रहा था। मेरा मजदूरी जलूस है और गरीब कलोनी के चौक अज जंजीर जनी नहीं शुरू हुई और मेरे जलूस से तशद होया, पथराव होया, जेडी मेरे नाल बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैं ये मसला अपनी कौम लेके तुहाडे के पेश करदा। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। थोड़ा जहा रास्ता छोड़ना, या पता क्या।
सब लोग भाई दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिह मुहम्मद अपना कल समझाओ समझाओ दसो 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 बोलो बोलो आज सुबह 9 बजे गरीब कॉलोनी से रवायात के मुताबिक जो 50 साल से जुलूस चल रहा है अपनी मुंतखब रस्ते से होता हुआ रवाना था कि जब गरीब कॉलोनी के चौक पे पहुंचा तो वहां चंद सरपसंदों ने जुलूस पे पथराव कर लिया, जिसके जवाब में हमारे मातमियों ने उनके साथ उलझे और कुछ उनके बंदे भी जख्मी हुए, हमारे भी बंदे जख्मी हुए। अभी मैं उधर से जुलूस पुरसकून लेकर आ गया हूँ, इधर से मैं जुलूस पुरसकून यहाँ लेकर आ गया हूँ। मैं अपनी मर्कजी क्यादत को भी गुजारिश की है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे इसका अदाला किया जाए और उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी ये मसला मैं आप कौम के लिए पेश कर रहा हूँ, जो आप कौम फैसला करेंगे। मैं तो उधर से आ गया हूँ, फिर आगे भी चलूंगा जिस तरह आप कौम से। अभी मेरा मुतालबा ये है अपनी इंतजामिया से भी और पुलिस इंतजामिया से भी कि जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, पुरसकून जुलूस पे पथराव हुआ है, उसका अदालत के लिए जो सरपसंद अनासर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये करारदाद मैं अपने मतलब मर्कज़ी क़यादत को भी अर्ज कर चुका हूँ पहले और आप तमाम मौत जो वो फैसला करेंगे हमें वो मंजूर होगा। गुजारिश ये है कि खुली ये दहशत गर्दी है वहाँ, मतलब है कि कोई पुलिस ने हमारी मदद नहीं की है। हम अपनी मदद आपके तहत जो भी उनके साथ भुगता है, क्योंकि हम पे हमला हुआ है, हमले का जवाब हमारे मातमी ने देना था।
वो जिस तरीके से भी दे चुके हैं उन्होंने दिया है, अपने तहफ्फुज़ के लिए जो उन्होंने जो करना था वो किया है। अभी मेरी आप लोगों से सबसे ये अपील है कि मैं आपके पास ये आ गया हूँ, इंतजामिया को भी बताया है कि मेरी उनके खिलाफ FIR काट दी जाए और मुझे उनसे तहफ्फुज़ दिया जाए, मुझे उनसे जान का खतरा है। बैठ जाए तमाम मोमिन नौजवान से इत्मीनान से बैठ जाए। इस्लाम की बहार है मातम हुसैन का, इस्लाम की बहार है मातम हुसैन का और बीबी की जुल्फकार है मातम हुसैन का। उसका कोई जदीद से रिश्ता जरूर है जिसको भी नागवार है मातम हुसैन का। बहुत मेहरबानी, आप बैठ जाएं। कत्ले हुसैन असमे मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असमे मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तमाम मोमिनीन से इल्तिमास है, सुनिए सुनिए सुनिए। तमाम मोमिनीन किराम, बात सुने बात सुनो। मोमिनीन किराम, हम आप आपके साथ हैं, पहले भी थे अब भी हैं। हमारी इंतजामिया से बात हुई है, पुलिस से भी हुई है और पुलिस ने हमारे साथ ये वादा किया है कि हम आपके जो मुतालबात हैं उन पर हम दर्दाना गौर भी करेंगे और जितने भी कानूनी तौर पर हम आपकी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। इसलिए मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि जितने भी अंजुमन के लोग हैं, अंजुमन हुसैनिया जौहराबाद के और दूसरे मोमिनीन भी, वो भी आपके साथ हैं। कोई ये ना समझे कि आपके साथ नहीं है, सब आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आपका मुतालबा जो है वो। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। सादात ओ मोमिनीन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बहुत अच्छी वीडियोज़ और अपडेट आप तक पहुँचाई जा सकें। बहुत शुक्रिया।